आदि से अनंत तक बस यही है परंपरा। कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। ये राजपूताना राइफल्स का आदर्श और सिद्धांत वाक्य है। इसका अर्थ है, जो मनुष्य कायर होता है वह मृत के समान है, और जो मनुष्य वीर और पराक्रमी होता है, जिसमें अपने दुश्मनों से लड़ने का साहस होता है, वही इस धरती का भोग कर सकता है। सेकंड राजपूताना राइफल्स के वीर मेजर पदम पानी आचार्य अपनी रेजिमेंट के इस वाक्य पर पूरी तरह खरे उतरे। मेजर पदम पानी आचार्य का जन्म 21 जून 1969 को हैदराबाद में हुआ था। वो मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार हैदराबाद में रहता था। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद पदम पानी 1994 में भारतीय सेना में शामिल हो गए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास से ट्रेनिंग लेने के बाद पदम पानी को राजपूताना राइफल्स में कमीशन मिला। सन 1996 में मेजर आचार्य ने चारुलता से शादी की, और जैसे ही वे पिता बनने वाले थे कारगिल युद्ध शुरू हो गया। 1999 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमन और भाईचारे की बस लेकर लाहौर रवाना हुए, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान कारगिल जंग की तैयारी कर चुका था। इस जंग में भले ही भारत को जीत मिली हो, लेकिन हमें उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 2 महीने तक चले इस युद्ध में भारत के 527 वीर सपूत शहीद हो गए और 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की उन ऊंची ऊंची चोटियों पर धोखे से कब्जा कर लिया था, और खड़ी चढ़ाई की वजह से कारगिल की यह लड़ाई दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाइयों में से एक थी। लेकिन भारतीय जवानों के साहस और पराक्रम के आगे पाकिस्तानी घुसपैठिए दम दबा कर भागते हुए नजर आए। कारगिल के युद्ध में तोलोलिंग की लड़ाई इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी। इस युद्ध में भारतीय सेना और पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों के बीच एक भीषण लड़ाई हुई, और मेजर आचार्य ने इस चोटी पर भारत को अहम जीत दिलाई। मेजर पदम पानी आचार्य को 28 जून 1999 को दुश्मनों के कब्जे वाले तोलोलिंग पर कब्जा जमाने का आदेश दिया गया। तोलोलिंग की चोटी पर पाकिस्तानी सेना न सिर्फ अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी, बल्कि उन्होंने रास्ते में खतरनाक माइंस भी बिछा रखे थे। लेकिन इन खतरों की परवाह न करते हुए मेजर पदम पानी ने अपनी बटालियन का नेतृत्व करते हुए उस दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना ऊपर से भारतीय सैनिकों पर गोलियों और ग्रेनेड की बारिश कर रही थी। हर तरफ से मौत की बारिश हो रही थी, लेकिन मेजर अपनी टुकड़ी के साथ ऊपर चढ़ते रहे। मेजर पदम पानी आचार्य ने अपने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी सेना के बंकर पर 4 गोले दागे और पाकिस्तानी सेना का पहला बंकर ध्वस्त कर दिया। लेकिन तभी दुश्मन का एक ग्रेनेड उनके पास फटा और मेजर आचार्य बुरी तरह घायल हो गए। उनके पूरे शरीर से खून बहने लगा, लेकिन भारत माता का ये वीर सपूत फिर भी नहीं रुका। वो अपनी रेजिमेंट के युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय बोलते हुए अपने बैग से ग्रेनेड निकालकर पाकिस्तानी सेना के दूसरे बंकर पर तब तक फेंकते रहे जब तक उन्होंने उस बंकर को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर दिया। लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक की राइफल से निकले बस्ट फायर से मेजर आचार्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए और वहीं गिर गए। मेजर आचार्य का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उनके जवान जब अपने मेजर के पास आए तो उन्होंने अपने जवानों से कहा, दुश्मन का आखिरी बंकर रह गया है, मेरी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक उस आखिरी बंकर को हम मिटा नहीं देते। अपने मेजर का आदेश सुनकर उनके जवान खड़े हुए और आगे बढ़ते हुए उन्होंने उस तीसरे बंकर को भी मिट्टी में मिला दिया। उनकी बटालियन ने उस अंतिम बंकर पर भी फतेह हासिल करके तिरंगा लहरा दिया। मेजर पदम पानी आचार्य की बटालियन ने तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन यहीं पर मेजर पदम पानी आचार्य की सांसों की डोर टूट गई। 30 साल की उम्र में मेजर पदम पानी आचार्य वीरगति को प्राप्त हो गए। इस अदम्य साहस के लिए मेजर पदम पानी आचार्य को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और मैं अंत करूंगा मेजर पदम पानी आचार्य के द्वारा लिखे हुए इन शब्दों से, जो उन्होंने युद्ध के दौरान अपने पिता के लिए लिखे आखिरी खत में लिखे थे।
मृत्यु को लेकर चिंता ना करें, यह हमारे नियंत्रण से परे है, लेकिन यह एक अच्छे कारण के लिए है। मां से कहना कि सेना के एक जवान के लिए युद्ध जीवन भर का सम्मान है और मैं इससे कम कुछ नहीं सोच सकता। देश की सेवा करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा मेजर पदम पानी आचार्य को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की शौर्य गाथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।